फ्रेंड्स, मई 2024 में लगने वाले लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर आपका चालान 31 जनवरी 2024 से पहले का है तो मई में लगने वाले लोक अदालत में उन चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। चालान को सेटलमेंट करने के लिए आपको एक टोकन की आवश्यकता होगी। अगर आपको टोकन जनरेट करने या सेटलमेंट में कोई हेल्प की आवश्यकता है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम पे चलेंगे और सिस्टम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करके खुद से घर बैठे बैठे टोकन निकाल सकते हैं और मान लेते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप सीधा वहां पर जाइए और लिंक पर क्लिक करिए। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर आपके 3-4 चीज़ें लिखी होगी, नोटिस नंबर, डीएल नंबर यानी कि गाड़ी नंबर। तो आपके पास जो भी चीज़ हो, या अगर आपका लाइसेंस है आपके पास, या फिर आपका जो भी नोटिस आया हुआ है वो है आपके पास, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल करके ग्रीन कलर का जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आ रहे हैं दो तरफ से, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो चालान है वो कितने चालान हैं। तो आइए ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि चालान इसमें कितने हैं और आपको कैसे चेक करना है और टोकन किस तरीके से निकलेगा वो भी आपको इसी में दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये ग्रीन वाली स्क्रीन है इसमें एक बार दिखा देता हूँ। आपके जितने भी चालान हुए हों सारे आपको इसी वेबसाइट पर नज़र आ जाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तब ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया तो इसमें जितने भी चालान हुए हैं इस गाड़ी पर, जो भी आपका गाड़ी नंबर होगा, वो चालान की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और राइट साइड में आपको ग्रीन कलर में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जहाँ से आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं अपने अपने नियर कोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट है, दिल्ली में कई सारे कोर्ट हैं, 30,000 कोर्ट, कड़कड़डूमा, साकेत, तो आपका जो भी नियर में कोर्ट पड़ता है आप वहाँ पर अपना चालान उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। वहाँ पर स्लॉट जो है वो सारी ओपन हो जाएंगी और जो स्लॉट है, जो चालान होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है कुछ आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका चालान का जो टोकन है वो इस तरीके से आएगा, उसमें 3 स्लिप होंगी जिसमें से एक स्लिप वहाँ पर जमा हो जाती है, दूसरी स्लिप एडवोकेट के पास रहती है और तीसरी एक रिसीविंग है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी तुरंत मिल सके और आप अपना घर बैठे बैठे टोकन निकाल सकें। टोकन निकलने का जो टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 10:00 है, तो आप लोग अलर्ट रहें और नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करें। ठीक है दोस्तों।